हेलो दोस्तों, मेरा नाम KM लाल है और मैं AFM इंटरनेशनल का ओनर हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टी शर्ट और उसके कपड़ों के बारे में। आइए तो बात करते हैं टाइप ऑफ फैब्रिक्स जो टी शर्ट्स में यूज़ होते हैं। पहले जनरली वे में हम टी शर्ट्स के फैब्रिक के बारे में बात करते हैं। फैब्रिक होते हैं हमारे कुछ प्रकार के, जिनके बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला होता है कॉटन, 100% कॉटन। फिर दूसरा पॉलिस्टर, 100% पॉलिस्टर। फिर एक विस्कोस होता है जो सबसे पहले जापान ने ईजाद करा था, ढूंढा था और आगे जाके पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ, होता है 100% विस्कोस। फिर चौथा कैटेगरी आती है हमारी कॉटन लाइक्रा की, जिसमें 90 से 95% तक कॉटन और 5 से 10% इसमें लाइक्रा होता है। पाँचवें में पॉली कॉटन, जिसमें 85 से 85-80% तक आपका कॉटन, कभी कभी 85% तक होता है, ताकि इसमें 65 से लेकर 20% तक पॉलिस्टर होता है। फिर छठा आता है पॉलिस्टर कॉटन, इसमें 90 से 95% पॉलिस्टर और 10 से 5% इलास्टाइन होता है। इलास्टाइन एक कंपनी है जो इलास्टिक बनाती है, इसी ने ही ईजाद करी थी, इसी ने ढूंढी थी। सातवां कैटेगरी आती है मेरी पॉलिश विस्कोस। पॉली विस्कोस में बहुत ही निच क्वालिटी, हल्की क्वालिटी का, बेकार क्वालिटी का बनाते हैं मटेरियल होता है ये, जिसमें पॉलिस्टर और विस्कोस का ब्लेंड करा जाता है, किसी भी रेशियो में कर लिया जाता है। फिर आता है नायलॉन लाइक्रा, जिसमें 90 से 95% नायलॉन और 10 से 5% लाइक्रा यार्न होता है।